हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने सोचा कि हमारे घर का लंच आपको दिखाया जाए। हमारे घर का लंच थोड़ा यूनिक है क्योंकि ना हम लंच पे कभी कुछ भी ले लेते हैं। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि हम उसमें राइस ही लेते हैं, हम उसमें दोसास लेते हैं, इडली, टिफ़िन, मतलब टिफ़िन, नाश्ता, राइस, पुलाव, जो भी चलेगा हमारे घर पे। तो मेरे हस्बैंड को ना दोसास बहुत पसंद है, कोई भी तरह का दोसा उनको बहुत पसंद है। तो आज हमारे घर में बना है कोकोनट डोसा एंड मिक्स करी। वो आलू, बैंगन, टमाटर डाल के बनाते हैं। पता नहीं कोई बनाता होगा या नहीं, मतलब हमारे उड़ीसा के तरफ, ब्रह्मपुर के तरफ ये ज़्यादा बनाते हैं। तो चलिए देखिए मैंने क्या क्या तैयारियाँ की है। तो अब मैं एक तरफ डोसा बनाऊँगी और वेजिटेबल कट करके दूसरी तरफ करी भी कुकर में प्रेशर दे दूँगी, तो मतलब 15 मिनट्स में करी और डोसा दोनों ही प्रिपेयर हो जाएगा। मेरे हस्बैंड को ना डोसा बना के रखेंगे तो वो ठंडा होने के बाद खाएंगे, उन्हें वैसा ही पसंद है। देखिए दोस्तों, मैंने डोसा भी डाल दिया है, करी के लिए भी प्रिपरेशन कर दिया है। अब मैं लगाऊंगी कुकर का ढक्कन, आएंगी दो सीटियां, फिर हमारा करी रेडी। करी बन गया है, मैं अपने हस्बैंड के लिए शॉप में ले जाऊंगी खाने के लिए टिफिन, वहाँ खाएंगे, उसके बाद वो आएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद मुझे कुछ एडिटिंग वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग ये देखना, ठीक है। और आज मेरा दूसरा वीडियो भी आने वाला है, हाउ टू मेक कोकोनट डोसा। मैंने कट कर दिया है उनका डब्बा बंद, मैंने अपने पति के लिए डब्बा पार्सल डब्बा बना दिया है। अब मैं खाना खाने वाली हूँ। खाना खाने के बाद मैं चली जाऊँगी, ठीक है। हमारा शॉप है, शॉप में जाऊँ, कभी मैं हमारे शॉप के बारे में आपको बाद में बताऊंगी। और ये मेरा आज का पहला ब्लॉग वीडियो है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।